दुकान बेचने के नाम पर रियल एस्टेट कारोबारी ने ठगे 11 लाख रुपए। पीड़ित ने एसपी से की शिकायत। जालौन में एक दिव्यांग युवक से 11 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। रियल एस्टेट कारोबारी ने युवक को दुकान बेचने के नाम पर 11 लाख रुपए ले लिए, जिसके बाद भी कारोबारी ने दुकान की रजिस्ट्री नहीं की, जिसके बाद पीड़ित ने मामले की शिकायत एसपी से की। बता दें, पूरा मामला उरई कोतवाली क्षेत्र के राजेंद्र नगर इलाके का है, जहां के निवासी आशीष दीक्षित ने सुमन प्लाजा में दुकान खरीदने के लिए रियल एस्टेट कारोबारी विश्वजीत सिंह को करीब 11 लाख रुपए दिए। उक्त मामले में 2 साल बीत जाने के बाद भी कारोबारी ने युवक के नाम दुकान नहीं की। युवक ने जब कारोबारी से रुपए वापस मांगे तो उसने पीड़ित को धमकाकर भगा दिया। इस मामले को लेकर आज पीड़ित एसपी कार्यालय पहुंचा, जहां मामले की शिकायत पीड़ित ने एसपी को शिकायती पत्र सौंपकर की। जालौन नवभारत समाचार से मयंक राजपूत की रिपोर्ट। हमारी समस्या ये है सर, हमारे सामने सुमन प्लाजा है, जो सुमन सिंह से हमने सर 12 लाख रुपए दिए थे दुकान की रजिस्ट्री कराने के लिए। तो पहले हमने 5 लाख दिए, फिर 6 लाख दिए। तो सर 6 महीने को उन्होंने ये कहा क्या कि मुझे टाल दिया था कि हम नक्शा पास कराते इसके बाद रजिस्ट्री कर देंगे। तो सर इसके बाद हमारी मम्मी की तबीयत बिगड़ गई, तो मैं नकलू आया, मैं उनका इलाज कर रहा था। जब मैं लौट कर आया तो मैंने कहा रजिस्ट्री कर दूँ, मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी, और एक्सपायर होने के बाद मैंने उनसे कहा रजिस्ट्री कर दूँ। तो वो कहने लगी कि सर उन्होंने 5 महीने पहले किसी और को रजिस्ट्री कर दी, हमारा टाइम भी पूरा नहीं हो पाया था। तो मैंने कहा जब मुझे पता चला कि कोई पाल को उन्होंने रजिस्ट्री कर दी, तो मैंने उनसे कहा कि हमारा दुकान मेरे नाम करिएगा, आपने तो किसी और को कर दी। तो वो कहने लगे कि जाओ तुम जो भी कुछ कर लो, और उनके दिल में खोट आ गया। उन्होंने कहा कि मैं आपको पैसे भी नहीं दे रहा हूँ और तुम भाग जाओ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तो सर मैं कप्तान सर के पास यही कह के आया था, सर हमारी दुकान सर मुझे दिला दीजिए। और सर मैं उन्होंने 10-12 लोगों को इकट्ठा करके मुझे धमकाते हैं अभी भी, और ना तो सर हमारे पैसे दे रहे हैं और दुकान की रजिस्ट्री करने के लिए किसी और को कर दिए। कितने हैं पैसे सर? 12 लाख रुपए दिए थे सर। कौन है जो धमका?